दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप लोग के लिए आज 6 वोल्ट स्प्लिट फिंस लेके आ गए हैं। सरदार कंपनी का है और ये है जौनपुर बदलापुर बनाने के लिए आए हुए हैं। आप लोग को आज हम 6 वोल्ट की पूरी फुल जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। मेरे दोस्तों देख सकते हैं कितना पुराना स्पेलर है, यह स्पेलर हमने बनाने आए हैं। देख सकते हैं पूरा कारखाना आप लोग को दिखा रहे हैं। स्पेलर आप लोग देख सकते हैं कितना पुराना स्पेलर है और यह स्पेलर हमने हमको बनाना है, काफ़ी पुराना है। अभी इसको खोलेंगे, इसमें क्या पार्ट है, कस्टमर का कहना यही था मेरे दोस्तों ये माल आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। कस्टमर का नाम यही है, माल आगे नहीं बढ़ा रहा है, माल आगे नहीं बढ़ा रहा है मेरे दोस्तों। अब यही मशीन हम अपने हाथों से खोलेंगे और इसको बनाएंगे मेरे दोस्तों, बना के तब आप लोग को दिखाएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा कैसे जाली बीनना है, वर्म कैसे लगाना है, इस वीडियो में पूरा हम बताएंगे, पूरा लाइव दिखाएंगे। तो अभी मशीन हमने खोल दिया है मेरे दोस्तों, देख सकते हैं, और इसमें 5.5 इंची वर्म है, देख सकते हैं 5.5 इंची वर्म, फिर 1 इंची कालर है, देख सकते हैं 1 इंची कालर हो गया, ये 1 इंची कालर है, और इसके बगल में फिर 4 इंची वर्म हो गया, 4 इंची वर्म है, 4 इंची वर्म, फिर 1 इंची कालर, फिर 1 इंची कालर रहेगा मेरे दोस्तों, फिर 3.5 का वर्म हो गया, फिर 3.5 का, फिर 0.5 इंची कालर, फिर 2.5 वर्म, और 4 इंची प्लेन वर्म है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग ऐसे होता है, 24/4 का सेटिंग है मेरे दोस्तों। ये आप लोग को सेटिंग दिखा दिए हैं, ना समझ में आए तो स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर चला है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कोई टाइम टेबल नहीं रहता मेरे दोस्तों, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अभी एक चीज़ और मेरे दोस्तों दिखाएंगे, एक चीज़ इसमें और हम दिखाएंगे दोस्तों, अभी रुकिए दिखा रहे हैं मेरे दोस्तों। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है आप लोग को दिखा रहे हैं, अभी मशीन डुला रहे हैं, डुला के आप लोग को दिखा रहे हैं मेरे दोस्तों। आप लोग डुला के तब आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, एक वर्म मोटा है, एक वर्म पतला, ध्यान से देख सकते हैं, एक वर्म मोटा, एक वर्म पतला है। ये भी फॉल्ट है, फिलहाल ये चल जाएगा, इससे नहीं कोई दिक्कत है, ये चल जाएगा। अब आप लोग को चैम्बर की जानकारी देने जा रहे हैं, देख सकते हैं, इसका मेन वजह यही था, माल नहीं खींच रहा था, तेल नहीं गा रहा था, इसका मेन रीजन यही था, देख सकते हैं छुरी सब काट के रख दे रहा है। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है मेरे दोस्तों, इस फॉल्ट को आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, आप लोग के भी कॉलम हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग को देखना है वर्म साइड छुरी जो होता है, साइड छुरी कभी काल ऐसा होता है साइड छुरी बेकार हो जाता है, तो 4 इंची की जगह 3 इंची लगा दीजिए, तो इसके वजह से काटता है। तो इसका मेन रीज़न ये है, 4 इंची तो पहले से इसमें लगा हुआ है, 3 इंची लगा था, उसके बाद 4 इंची लगा दिया, लेकिन इसका चैम्बर गड़बड़ था, इसका चैम्बर है गड़बड़, अभी आप लोग को पूरा दिखाएंगे, अभी आप लोग को नहीं समझ में आया मेरे दोस्तों, इसमें चैम्बर भी गड़बड़, इसको अभी छोड़ी खोलेंगे तब आप लोग को दिखाएँगे। इसमें देख सकते हैं कहीं कहीं पकड़ रहा है, कहीं कहीं नहीं पकड़ रहा है, कहीं कहीं पकड़ रहा है, कहीं कहीं नहीं पकड़ रहा, आप लोग देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ ही गया होगा इसमें क्या फॉल्ट है, इसमें यही फॉल्ट है, इसका चैम्बर ख़त्म हो गया, एक चैम्बर एकदम काट दे रहा है, एक चैम्बर एकदम साफ साफ बच जा रहा है, मतलब छोड़ी पे वर्म नहीं चल रहा है, देख सकते हैं एक वर्म तो पकड़ ले रहा है, एक चैम्बर पूरा फुल पकड़ रहा है, लेकिन दूसरा चैम्बर एकदम साफ साफ बच जा रहा है, देख सकते हैं वीडियो में, एक चैम्बर बच जा रहा है, दूसरा चैम्बर पूरा काट दे रहा है। इसका तो मेन वजह यही है मेरे दोस्तों, ये चैम्बर एक
ख़त्म हो चुका है, एक सही है। मेरे दोस्तों, चैम्बर एक सही है एक बेकार है, इसका मतलब यही है। तो इसका सही करने का तरीका यही है मेरे दोस्तों, इसका सही करने का तरीका यही। आज इस वीडियो में हम ये चैम्बर को बनाएंगे और बना के इसको चलाएंगे, और चला के आप लोग को आज पूरा फुल हम वीडियो आप लोग के लिए डाल रहे हैं, चला के बना के अभी आप लोग को दिखाएंगे। अभी ये जाली सब उजाड़ेंगे, जाली उजाड़ के इसको हम अपने हिसाब से बनाएंगे। अब देख सकते हैं जाली उजाड़ दिए हैं और इसमें हम पत्ती लगा रहे हैं, हम खुद पत्ती लगा रहे हैं मेरे दोस्तों, ये पत्ती हमने खुद लगा रहे हैं। और दोनों चैम्बर पे हमने ये पत्ती लगा के, ये दोनों चैम्बर पे पत्ती लगा के दोनों साइज एक करेंगे। दोनों साइज एक करने के बाद इस मशीन को हम चालू करेंगे। अभी देख सकते हैं सब पे पत्ती लगाया जाएगा, ये सब पे पत्ती लगा के इसको बढ़िया से बना के उसके बाद जाली हम बीनेंगे मेरे दोस्तों। आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में, पूरा वीडियो में देख सकते हैं, जाली हम पत्ती नीचे रख के तब जाके जाली बीन रहे हैं। इससे फ़ायदा यही है मेरे दोस्तों, चैम्बर पूरा बराबर चलेगा, ऊंचा खाला नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। जैसे कि अगले चैम्बर में आप लोग देखे थे, कहीं कहीं काटा था, कहीं कहीं नहीं काटा था। तो दोनों सेम कर देंगे, दोनों सेम करने के बाद साइज छुरी का साइज मिला के लगा देंगे तो दोनों चैम्बर साथ ही में चलेगा। एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से मेरे दोस्तों। अब आप लोग को देख सकते हैं छुरी तो हमने बीन दिया है, छुरी बीनने के बाद इसकी सेटिंग देख सकते हैं, वही वर्म है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में वही वर्म हम चेंज नहीं किए हैं। और बनाने के बाद आप लोग देख सकते हैं तेल का गराव वराव, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया तेल का गराव है मेरे दोस्तों, तेल का गराव आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया तेल का गराव है। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा मेन रीज़न क्या था, इसका चैम्बर गड़बड़ था। अब चैम्बर गड़बड़ यही था, इसका मिस्टेक नहीं समझ पाया मिस्त्री, बहुत कोशिश किया, दो बार मशीन खोला बनाया बाकी नहीं समझ पाया। तो काफ़ी परेशान हो जाने के बाद हमें बुलाया गया है, हम आके इनकी मशीन बनाए हैं और देख सकते हैं तेल का गराव वराव कितना बढ़िया है मेरे दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों। और एक बात बता दें दोस्तों, हमारा बनाया हुआ मशीन देख सकते हैं कितना बढ़िया माल खींच रहा है, माल देख सकते हैं आप लोग, पहले घानी का मालिक रहा, आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में, हम कोई फेक वीडियो नहीं बनाते मेरे दोस्तों, हमारा ही बनाया हुआ कोलू है देख सकते हैं, हमारा तस्वीर भी है इसमें। तो दोस्तों आप लोग को बाकायदे समझाते हैं, अगर आप लोग को ना समझ में आए तो हमसे डायरेक्ट संपर्क करिए, हमसे बात करने का कोई एक रुपया चार्ज नहीं है, कभी भी कोई टाइम टेबल नहीं है मेरे दोस्तों। दोस्तों दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे आपसे।